नया कर सको तो आ जाओ, कुछ नया कर सको तो आ जाओ, खुद से ही लड़ सको तो आ जाओ, संग जीना तो अब नहीं मुमकिन, साथ में मर सको तो आ जाओ, साथ में मर सको तो आ जाओ। और पंक्तियां सुने कि खूबसूरत से ख्वाब लगती हो, मुझको तो माहताब लगती हो, माता माने चांद, कि खूबसूरत से ख्वाब लगती हो, मुझको तो माहताब लगती हो, आँखों में तो लिखा है नज़्म ग़ज़ल, शायरी की किताब लगती हो, शायरी की किताब लगती हो। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि अगर इंसान अपने आँखों से रोए तो वो कायर कहलाता है, और अगर अपने लफ्जों से रोना शुरू कर दे तो शायर हो जाता है। तो उन्हीं से प्रभावित चार पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि अकेलेपन से अकेलेपन को दुनिया से है कुछ ऐसे छुपा लेते, अकेलेपन को दुनिया से है कुछ ऐसे छुपा लेते, कोई जो हाल पूछे तो यूं ही बढ़िया बता देते, अकेलेपन को दुनिया से है कुछ ऐसे छुपा लेते, कोई जो हाल पूछे तो यूं ही बढ़िया बता देते, कई दरिया को आंखों में लिए हम भी हैं बैठे पर, उसे आंखों के बदले हम लबों से है बहा देते, उसे आंखों के बदले हम लबों से है बहा देते। चार पंक्तियां और सुनेगी। जमाने की तिजारत को मोहब्बत मैं समझ बैठा, जमाने की तिजारत को मोहब्बत मैं समझ बैठा, तेरी चाहत को ही जानम इबादत मैं समझ बैठा, तुम्हारा और मेरा वास्ता बस नींद तक ही है, तू मेरा ख्वाब थी जिसको हकीकत मैं समझ बैठा, तू मेरा ख्वाब थी जिसको हकीकत मैं समझ बैठा। और वक्त की पाबंदी है, मैं अंत में अब एक छंद से विदा लेना चाहूंगा। सुनिए, सौंदर्य वर्णन का छंद है एक, आप सबके मन मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। कि धैर्य से जो देख लोगे चेहरे को उसके, तो उसके ही इर्द गिर्द पूरा संसार है, धैर्य से जो देख लोगे चेहरे को उसके, तो उसके ही इर्द गिर्द पूरा संसार है, आंख मृग नयन मुख पे विराजे चंद्र, अधरों पे जैसे कोई लोहित अंगार है, आंख मृग नयन मुख पे विराजे चंद्र, अधरों पे जैसे कोई लोहित अंगार है, उनके जो मुख से है निकली जो वाणी जैसे सारे वेद शास्त्रों का पूरा पूरा सार है, और रूप को अगर शब्दों में ढाला जाए तो यूं कहिए कान्हा के लिए ही कोई मीरा की पुकार है, रूप को अगर शब्दों में ढाला जाए तो यूं कहिए कान्हा के लिए ही कोई मीरा की पुकार है। अंदर मुझे क्यों विक्रम भाई का एक मतलब और एक शेर याद आ रहा है, उसके बाद मैं अपना विदा लूंगा आप सबसे। चंद लम्हों की छेड़खानी में, चंद लम्हों की छेड़खानी में ट्विस्ट सा आ गया कहानी में, चंद लम्हों की छेड़खानी में ट्विस्ट सा आ गया कहानी में, यार कुछ तो वजह रही होगी ऐसी गजलें भरी जवानी में। रिकॉर्ड योर पोएट्री शायरी स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप, डाउनलोड द ऐप नाउ।